तो हेलो फ्रेंड, तो कोई भी वाशिंग मशीन नहीं, उसमें आई एरर का मतलब होता है वाटर इनलेट एरर। तो आपका पानी का सप्लाई किसी तरह से आपके वाशिंग मशीन में नहीं आ रहा, तो देखिए उसके लिए क्या करना है। पहले जहाँ से इनलेट का पाइप लगा हुआ है नल में, उस नल को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद जहाँ इनलेट का पाइप आपके वाशिंग मशीन में पीछे की ओर लगा होगा, उसको खोलेंगे। ऐसे घुमा घुमा करके, जेंटली घुमा कर खोल लेंगे। देखिए खुल गया। खुलने के बाद इसमें एक फिल्टर लगा हुआ होता है, वो फिल्टर हमारा वही जाम हो जाता है जिसके कारण कि पानी नहीं जाता है और इनलेट एरर देना शुरू कर देता है। तो देखिए इसको एक धीरे धीरे निकालेंगे, पुश करके, नहीं होगा तो एक स्क्रू ड्राइवर के सहारे भी इसको निकालेंगे। देखिए स्क्रू ड्राइवर के सहारे ये निकल गया, खींचने से उसमें फंसाने का बना हुआ रहता है। देखिए कितना गंदगी है इसके अंदर, देख रहे हैं कितना गंदगी है, ये पूरी तरह से जाम कर दिया। इसके लिए कटोरी में इसको डाल लेंगे और थोड़ा हारपिक डाल लेंगे ताकि गंदगी अच्छे से बाहर, सारा गंदगी निकल जाए। देखिए हारपिक डाल करके इसको टूथब्रश, पुराना टूथब्रश ले लेंगे, उससे इसको रगड़ के फिर इसको पानी में इस तरह से रगड़ रगड़ के साफ कर देंगे। तो पूरा फिल्टर हमारा जो है ये साफ़ हो जाएगा अच्छे से, ताकि पानी फिर से इसमें अच्छे से पास होने लगे। तो देखिए ये साफ़ हो गया, देखिए कितना चमक गया है। ये साफ़ होने के बाद फिर से जैसे इसको वॉशिंग मशीन से हम इनलेट की जगह से निकाले थे, उसी जगह से फिर इसको पुश करके धीरे से ऐसे लगा देंगे। पुश करेंगे वो लग जाएगा फिर से, देख लीजिए। हाँ लग गया। अब इसके बाद इनलेट का जो पाइप है पीछे, वो फिर से जैसे आप खोले थे ठीक वैसे ही घुमा कर फिर से इसको लगा देंगे। देखिए ऐसे करके लगा दिए। हाँ अब ये लग गया। अब फिर से नल को खोल देंगे। अब देखिए ये वॉशिंग मशीन को अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें पानी नहीं आ रहा था। अब देखिए स्टार्ट किए, देखिए अब स्टार्ट कर दिए बटन, ये स्टार्ट हो गया। अब देखिए पानी का फ्लो हमारा आने लगा, और कितना तेज़ी से आ रहा है पानी का फ्लो। अब आपका फिल्टर साफ़ हो जाने के कारण ये पानी का फ्लो काफ़ी तेज़ हो जाएगा, जिससे कपड़ा भी बहुत जल्दी धुलेगा और पानी का जो भी रुकावट था गंदगी के कारण फिल्टर में, वो सारा का सारा क्लीन हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो क्लासी रेखा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।